नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी अभी। मैं दिव्या चौहान लाई हूँ काम की बात मेरे साथ। रंगों का त्यौहार होली का पर्व 28-29 मार्च को मनाया जा रहा है। इस वर्ष ये त्यौहार माह के अंत में पड़ रहा है, ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के लिए होली खास ढंग से सेलिब्रेट करना जरा दिक्कत भरा काम हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने होली से पहले अपने कर्मियों के लिए एक स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम पेश की है। स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 10,000 तक का एडवांस ले सकते हैं। खास बात यह है कि इस स्कीम पर कोई ब्याज भी नहीं लगेगा और इसे आसानी से किस्तों में चुकाया जा सकता है। ये स्कीम 31 मार्च तक ही वैलिड है। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम इसलिए भी खास है क्योंकि इसका प्रावधान तब तक नहीं था जब 7वां वेतन आयोग लागू किया जाना था। 6ठे वेतन आयोग के तहत एडवांस स्कीम के रूप में 45 रुपए तक ही ले सकते थे, लेकिन इस वर्ष केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बिना किसी ब्याज के 10,000 रुपए लेने की व्यवस्था की है। जाहिर है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि त्योहारों के लिए जो एडवांस दिया जा रहा है वो प्री लोडेड होगा। ये पैसा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एटीएम में होगा और वे जरूरत के मुताबिक इसे खर्च कर सकते हैं। ये एडवांस प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए लिया जा सकता है। इसके अलावा ये एक ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि है और इसे आसान 10 किश्तों में लौटाया जा सकता है। इस स्कीम का ऐलान पिछले वर्ष अक्टूबर में किया गया था। कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। अभी तक देश भर में चीजें पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपने कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ खास कर रही है ताकि उनको राहत मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही जानकारियों के लिए हिमाचल अभी अभी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।